हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आ गई एक नया ट्यूटोरियल लेके, और आज हम बात करने वाले हैं कंटूर कितने तरीके के होते हैं। तो आज हम बात करें, सबको पता है कंटूर दो तरीके के होते हैं, एक होता है पाउडर कंटूर और एक होता है क्रीमी कंटूर। तो सबको ये होता है कि कोई भी जब भी मेकअप करता है तो कोई भी कभी पाउडर कंटूर लगा देता है या क्रीमी कंटूर लगा देता है, लेकिन आपको पता भी है क्या कि क्रीमी कंटूर और पाउडर कंटूर कब यूज होता है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आपको क्रीमी कंटूर यूज करना है तो वो कब यूज होगा, और अगर आपको पाउडर कंटूर यूज करना है तो वो कब यूज होगा। पाउडर कंटूर हम लोग कब यूज करते हैं, किस सिचुएशन में यूज करते हैं, एंड क्रीमी प्रोडक्ट हम लोग जो कंटूर के लिए किस सिचुएशन में यूज करते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चले लेट्स। जो पाउडर कंटूर होता है वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे फेस पे कंटूरिंग की जरूरत नहीं होती है, या किसी भी क्लाइंट को आप कंटूर करना चाह रहे हो और उसके फेस पे किसी कट की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसका फेस बहुत शार्प है, उसके फेस पे ऑलरेडी कंटूर है, हमें नई जरूरत है, तो हम तब पाउडर कंटूर यूज करते हैं सिर्फ एक शेडो देने के लिए, कि एक शेडो आए और वो शेडो दिखे। जब भी आप ऐसे देखो, इधर देखो, तो एक शेडो सी दिखे, जैसे अभी मेरी भी हल्की सी दिख रही है क्योंकि मैंने ऑनली पाउडर कंटूर किया है, तब हम पाउडर कंटूर करते हैं। लेकिन क्रीमी कंटूर हम कब करते हैं, वो डार्क होता है बहुत, और जो पाउडर कंटूर होता है उसका कलर बहुत लाइट होता है, और जो क्रीमी कंटूर होता है उसका कलर उससे थोड़ा डार्क होता है। तो हम क्रीमी कंटूर कब यूज करते हैं, हम क्रीमी कंटूर तब यूज करते हैं जब हमें फेस को एक शार्प फेस देना होता है, एक बहुत हार्श कंटूरिंग देनी होती है, हमें पूरे का पूरा कंटूर दिखाना होता है, हमारी जॉ लाइन अलग से दिखानी होती है, अगर हमारे ये वाला हिस्से पे थोड़ा सा अगर फैट हो, या हमें अपने चिक्स एकदम अलग से दिखाने होते हैं, तब हम क्रीमी कंटूर यूज करते हैं, और ये थोड़ा डार्क होता है अकॉर्डिंग टू पाउडर कंटूर के। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि पाउडर कंटूर और क्रीमी कंटूर कब यूज करते हैं। क्रीमी कंटूर हमेशा लाइट कलर का होता है, वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमको हल्का कंटूर करना होता है, या सिर्फ एक शेडो देनी होती है, हमें कंटूर की ज़रूरत नहीं है, या आप किसी क्लाइंट पे कंटूरिंग कर रहे हो और उसे कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि इनका फेस ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बहुत हार्श कंटूरिंग नहीं चाहिए, तब हम वहाँ पे पाउडर कंटूर करते हैं। और क्रीमी कंटूर हम तब करते हैं जब हमें एक बहुत शार्प लुक देना होता है फेस को एक बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं क्रीमी कंटूर। तो दोनों में यही डिफरेंस है गाइस कि क्रीमी कंटूर और पाउडर कंटूर कब यूज़ होता है। तो कई बार कुछ लोग होते हैं कि किसी अगर बहुत शार्प लाइन देनी है, बहुत फेस को बहुत शार्प दिखाना, उसके बाद भी वो पाउडर कंटूर कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पाउडर कंटूर की अपनी जगह है एंड क्रीमी कंटूर की अपनी जगह है। तो आपको तभी यूज़ करना है जब आपको लगे। तो पाउडर कंटूर आपको जब करना है, जब आपको ऐसे लाइट दिखाना है फेस को, बहुत ज़्यादा आपको फेस हाईलाइट नहीं करना है तब यूज़ करना है। देन आपको क्रीमी कंटूर तब दिखाना है जब आपको ऐसे बहुत शार्प फेस दिखाना है, बहुत अच्छे से कंटूर करना है, एक एक फीचर्स अलग दिखाने, और आपको कंटूरिंग की ज़रूरत है। फेस बहुत चबी है तो आपको बहुत ज़्यादा कंटूर करना होता है चबी फेस को कम दिखाने के लिए, तब आप क्रीमी कंटूर यूज़ करते हैं। तो आई होप गाइज आज का वीडियो ये आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।